नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, या हो देश के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति की आवाज। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं वो खबर जिसका सीधा सरोकार होता है आपसे। प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने शनिवार को हरदोई जिले के 52 ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत बरवन में मेरा देवी अवध बिहारी सिंह मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रदेश सरकार के राघवेंद्र सिंह द्वारा आयोजित वार्षिक कंबल वितरण समारोह के दौरान गरीबों को कंबल बांटे। इसके बाद आयोजित जनसभा में कहा कि जनधार खो चुके उदंडों को सहायता कर रहे हैं। एक दल कहता है कि पेंशन देंगे तो दूसरा दल कहता है कि मुफ्त में वकील देंगे। ऐसे लोग केवल बीजेपी के खिलाफ अल्पसंख्यकों को भड़काने के वोट की राजनीति कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों को भड़काओ और उनका वोट लेने के लिए आज सपा बसपा और कांग्रेस तीनों में होड़ लगी हुई है। तो ये उसी प्रकार की चीज़ें हैं कि संविधान तो क्या है कि नागरिक संशोधन बिल एक्ट पास हुआ है, उसका हम उसको नहीं मानने की बात कहेंगे तो ये संविधान का विरोध है। तो संविधान का जो विरोध करेगा जनता उसको दंड देगी। सर, एक सवाल है, अयोध्या में मस्जिद के लिए जो 5 एकड़ भूमि की तलाश हो रही है वो कहाँ पर और कब तक ये तलाश? नहीं, ये तो अब तमाम लोग जो से संबंधित हैं वो वहाँ पर जा रहे हैं। अब सरकार देखेगी जहाँ पर उपयुक्त स्थान मिलेगा तो माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी। सर, भोपाल में एक सेवा दल का कार्यक्रम हुआ था जिसमें किताब बांटी गई, जिसमें वीर सावरकर और गोडसे के संबंधों को लेकर बताया गया।